एक ओर जहां झारखंड की राजनीति में घमासान मचा है, वहीं जमशेदपुर से एक अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि पश्चिमी के विधायक एवं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक अलग मिसाल पेश की है, जहां कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में खुले जांच केंद्र का उद्घाटन करने बन्ना गुप्ता पहुंचे थे। जब उन्हें यह पता चला कि अस्पताल में रक्त उपलब्ध नहीं है और एक मरीज को रक्त की तत्काल जरूरत है, तब उन्होंने पल भर की देरी किए बगैर खुद रक्त देने के लिए तैयार हो गए और रक्तदान किया। उनके इस कदम का मरीज और उनके परिजनों ने न केवल सराहना की बल्कि शुक्रिया भी अदा किया। दरअसल शनिवार को अस्पताल में जांच केंद्र का उद्घाटन करने के बाद वो अस्पताल का दौरा कर रहे थे। इसी बीच एक महिला उनके पास आई और अपने पति को खून की जरूरत बताकर स्वास्थ्य मंत्री से मदद मांगी। उस वक्त मंत्री बन्ना गुप्ता ने पल भर की देरी किए बगैर रक्तदान किया, साथ ही वहां के लोगों से रक्तदान करने की भी अपील की है। एक बहन हमारे पास आई थी, मैं जब वहां कार्यक्रम में था तो उस बहन ने मुझे कहा कि 3 बोतल खून हम ले चुके हैं, ना हमारे पास पैसा है और ना मेरे पास कोई आदमी है जो 1 बोतल खून देगा। तो मैंने कहा तुम्हारा भाई है और हमारी बहन, यदि हमसे 1 बोतल के 4 बोतल भी खून मांगे तो हम देंगे, तो वही बहन के लिए आए हैं। मंत्री जी को बोला हम 3 बोतल खून दे दिया, अभी मेरा पास पैसा भी नहीं है और कोई डोनेट करने का भी लक नहीं है, तो मंत्री जी दे रहा है बोला। हाँ, भाई कैसे बढ़कर है। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।